अच्छा हम स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री से 2016 क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट। देखिए 13 का बी पार्ट क्या कह रहा है, एक इसने इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ये बता रहे हैं इज एन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है जो ग्राफ शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। अब आपने एक ग्राफ बनाना है जिसके अंदर आपने शो करना है एक्स और वाई का जो रिलेशनशिप है एंड रिलेट्स द इक्वेशन टू द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑन द ग्राफ। ठीक है अब आपने क्या करना है कि एक स्लोप जो है वो ड्रॉ करना है और वो इंटरसेप्ट करता हुआ जाएगा ग्राफ को। ठीक है तो ये वाला ये सवाल है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2016 क्वेश्चन नंबर होगा आपका 13 और इसका है ये बी पार्ट। सबसे पहले तो हम इक्वेशन ही लिख देते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्ट्रेट लाइन को। सबसे पहले ये नज़र आ रहा है या नहीं पहले तो ये बता दो। ठीक है ये वाली ये जो मैंने बनाई है ये नज़र आ रही है, ये नहीं आ रही। आप कुछ कुछ नज़र आया। ठीक है ये इक्वेशन के मुताबिक हमने ये फिगर बनाई है जिसमें फिगर के अंदर एक आपकी होती है एक्स एक्सिस और दूसरी कौन सी होती है वाई एक्सिस। ठीक है अब ये कह रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, अब इस पे एक स्लोप आपको दिखाया है एक लाइन। ठीक है लाइन की जो इक्वेशन है वो आपको गिवेन है जो उन्होंने सवाल में बता दी वाई इज इक्वल टू एम सी। अब ये कह रहे हैं कि ये जो है ये स्लोप है और स्लोप जो है वो इंटरसेप्ट करता हुआ जा रहा है वाई को जो सवाल में जो कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन के मुताबिक और वो इंटरसेप्ट जो कर रहा है इस जगह पे इस पॉइंट का नाम है सी। ठीक है ये सी के ऊपर यहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है और ये आपको पता है कि जो स्लोप है स्लोप के ऊपर हम एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं पी और इसको हम इस पे कुछ ना कुछ ये जो एक पॉइंट होता है उस पे कोई ना कोई एक्स या कोई ना कोई वाई का आ रहा होगा। जब हम इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो एक्स की कोई ना कोई वैल्यू बन रही होगी और यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो वाई की कोई ना कोई वैल्यू बन रही होगी। इसी तरह से पॉइंट होता है ग्राफ के ऊपर। ठीक है एक्स और वाई हम ग्राफ के अंदर
पॉइंट करते हैं। अच्छा जी, आप देखिए, आपकी जब हम इसका स्लोप बनाते हैं तो स्लोप का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेट अस टेक अ पॉइंट पी एक्स वाई ऑन द लाइन। हमने क्या किया कि एक पी पॉइंट सपोज कर लिया अपनी तरफ से वहाँ के ऊपर, ताकि हम इक्वेशन को प्रूव कर सकें। अब यहाँ ये कह रहे हैं फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ताकि आप इस चीज़ को प्रूव कर सकें। फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। अब ये y2 क्या चीज़ होती है, तो y2 याद रखना कि जो बाद वाली वैल्यू होती है y की, वो वहाँ से इसका कोई ना कोई पॉइंट है, c का एक पॉइंट है जिसके ऊपर कोई ना कोई जो है वो वैल्यू आ रही है आपकी x की और y की। तो दो पॉइंट्स आपको मिल गए यहाँ के ऊपर, एक ही लाइन के ऊपर आपको कितने पॉइंट्स मिले, दो पॉइंट्स मिले। एक कौन सा पॉइंट मिला, c, और दूसरा कौन सा पॉइंट मिला, p। ठीक है, C के लिए भी X और Y की कोई ना कोई वैल्यूज़ हैं और P के लिए भी X और Y की कोई ना कोई वैल्यूज़ हैं। तो C जो हो गया वो आपका हो गया कौन सा, जो C है हमारे पास वो कौन सा है आपका, पहले X1 और Y1। इसको हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज़ अगर हम रखें X1 और Y1, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ हमने यहाँ दी हुई है ज़ीरो और C। ज़ीरो का मतलब क्या हो गया कि X की वैल्यू कहाँ क्या आ रही थी, यहाँ के ऊपर x का कोई भी नहीं है, बिल्कुल y के ऊपर आया हुआ, यानी थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ा, थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ा, बिल्कुल y के ऊपर है। तो इसका मतलब है कि x कितना हो गया, ज़ीरो हो गया, सही है। x से अगर हम यहाँ नीचे से ज्वाइन करना चाहें तो x में कहीं ज्वाइन हो रहा होगा, नहीं, तो इसका मतलब x कितना हो गया, ज़ीरो। और y कितना हो गया, y के ऊपर अलबत्त आप ये जो ये सारी लाइनें जा रही हैं, ये किसकी, ये सारे पॉइंट जो आ रहे हैं ये किसके, y के। x का तो इसके ऊपर कोई पॉइंट भी नहीं है, x हर जगह क्या आ रहा होगा, ज़ीरो ही आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ के ऊपर y1 की वैल्यू क्या आ गई, c आ गई, ठीक है। और अगर हम इसको दें तो ये x2 और y2, ठीक है, फॉर्मूले के लिहाज से जो हमने नाम जो उन्होंने x1 और x2 y2, तो अब यहाँ पे जो ये वाला फॉर्मूला आया पॉइंट, ये अगर हम यहाँ से जाके ज्वाइन करें तो x की कोई ना कोई वैल्यू निकल आएगी यहाँ के ऊपर, ठीक है, और वो वैल्यू क्या है, x है। और दूसरी वैल्यू y जो है यहाँ के ऊपर, यहाँ से जैसे हम ज्वाइन करेंगे इसको यूँ करके, तो y की भी कोई वैल्यू निकल आएगी यहाँ के ऊपर, ठीक है, वो हो गया आपका y। तो अब जो है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, अब दो पॉइंट्स हमारे पास हो गए, दोनों की कोई ना कोई वैल्यू x है, दोनों की कोई ना कोई वैल्यू y है, ठीक है। अब जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के मुताबिक क्या है, स्लोप, ये जो स्लोप है इसका फॉर्मूला क्या होता है, y2 में से आप y1 निकाल दो और x2 में से x1 निकाल दो, राइट, यही फॉर्मूला है। आपने क्या किया, सिंपली y2 की और x, y2, y1 इनकी जो वैल्यूज हमने हिसाब से अपने रखी हुई थी वो वाली गिवन कर दी हैं। y2 की जगह हमने क्या रखा, क्या लिया हुआ था y2 की जगह, y, ठीक है, और y1 की जगह क्या लिया हुआ था, c। तो हमने यहाँ पे रखा y2 की जगह y और y1 की जगह c रख दिया। इसी तरह x की वैल्यूज देखेंगे, x2 की वैल्यू क्या थी, x, और x1 की वैल्यू क्या थी, ज़ीरो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, x2 की जगह x रख दिया और x1 की जगह ज़ीरो रख दिया, ठीक है। अब जब हम इसको कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे, m इज इक्वल्स टू y माइनस c डिवाइडेड बाय x, क्या ऐसे ही होगा, ये m यहाँ से उठा लिया और इसकी वैल्यू जब हमने पुट की x में से ज़ीरो माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, x रह जाएगा, ठीक है। m इज इक्वल्स टू एम एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा वाई माइनस सी, ठीक है, और फिर क्या होगा, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स, ये सी इधर चला गया तो फिर क्या हो गया, ये वाई अपनी जगह पे, ये सी इधर माइनस हो रहा था, इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस सी, ये प्रूव हो गया। तो इस तरह की छोटी छोटी सी कैलकुलेशन सिर्फ तीन स्टेप्स में आपका ये सॉल्व हो गया। इस तरह का क्वेश्चन आपका आ सकता है, दो नंबर का, एक नंबर का, इस तरह से क्वेश्चन करके डाल सकते हैं। तो ये एक इक्वेशन हो गई आपकी, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम आ जाते हैं 2017 का, लगा दो बेटा 2017 क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट। Thank you.
क्वेश्चन जो लिखे हुए आ रहे होते हैं इनके, अगर इक्वेशन के थ्रू लिखा हुआ है तो सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इस तरह इंडेक्स में आते हैं ना तो इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम होती है। उसके लिए भी जो साइट मैंने आपको बताई है उसमें इक्वेशन बनाना जो है वो उसमें भी आपको बता रहे हैं, तो वो पूरा एक्सप्लेनेशन भी देंगे आपको, तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो जाएगी। जो जहाँ, यानी ये एक ऐसी साइट है कि जो जहाँ कमज़ोर है, अगर फर्ज करो कोई LCM में कमज़ोर है या कोई LCF में या जिस तरह आपने बताया इक्वेशंस में, तो फिर वो इक्वेशंस पे ही जाए और वही प्रैक्टिस करे ज़्यादा क्वेश्चंस की, क्योंकि क्वेश्चंस बेतहाशा उसके अंदर दिए हैं, तो वहाँ जाके आप आराम से जो आपकी कमज़ोरी की लाइन है वहाँ जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और अपनी कुछ लोग सीक्वेंस और सीरीज़ पे प्रॉब्लम होती है उनको, तो वो वहाँ जाके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं सवालों की, तो वो ज़्यादा आसान हो सकता है उनके लिए। ठीक है, तो जी हाँ, सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 का 2017 का क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट। जी, अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। देखो, अब जब इसमें आपको नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट इस तरह की डायरेक्शंस जब बताई जा रही हो, तो सबसे पहले आपको एक चीज ड्रॉ करनी होती है और वो होती है डायरेक्शंस। रब कर दूं इसे, सबसे पहले अब जब आप वो सवाल पढ़ना शुरू करेंगे तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा नॉर्थ, ये क्या हो जाएगा ये, ठीक है। अब जब ये साइट, ये जरूर जरूर ये आपके लिए जरूरी होता है कि जब भी आप CSS में इस सब्जेक्ट यानी मैथ से रिलेटेड और डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करना शुरू करें तो आपके पास ये मौजूद होना चाहिए। ठीक है, अब डायरेक्शंस आपने लिख ली, डायरेक्शंस के बाद आपने इसको बनाना शुरू किया, तो वो कह रहा है अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ। एक आदमी है जो 2 किलोमीटर किस तरफ चलना शुरू हो गया, नॉर्थ की तरफ चला है। इसके बाद वो कहते हैं देन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर्स। ठीक है, उसके बाद वो ईस्ट को मुड़ गया और उसने क्या शुरू किया, थोड़ा सा ये मुझे डायग्राम यहां से बनानी पड़ेगी या ये यहाँ नीचे बनाओ यहाँ से, ठीक है। और ये डायरेक्शन हमने बना दी, इस डायरेक्शन से क्या पता चल रहा है कि आदमी किस तरफ गया, नॉर्थ की तरफ गया है। उसके बाद वो कह रहा है कि उसके बाद वो ईस्ट की तरफ चला गया है, कितना 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स वो ईस्ट की तरफ चला गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद वो कह रहे हैं आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 3 किलोमीटर्स। उसके बाद वो नॉर्थ की तरफ मुड़ गया और 3 किलोमीटर्स चला है, तो अब यहाँ से वो नॉर्थ की तरफ मुड़ गया है और कितना चला, 3 किलोमीटर्स। सबसे पहले कितना चला था वो, 2 किलोमीटर्स, फिर 10 किलोमीटर्स और फिर 3 किलोमीटर्स चला था। अच्छा, इसके बाद ये कह रहे हैं अगेन ही टर्न्स टूवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स, दोबारा ये मुड़ गया है इधर और ये 2 किलोमीटर्स चला है, ईस्ट की तरफ मुड़ गया। ठीक है, डायरेक्शंस हम बनाते जा रहे हैं कि किधर किधर मुड़ा है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं वो पूछ रहे हैं कि अगेन ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से यानी यहां से लेके अब यहां तक जो पहुंच चुका है कितना दूर है, यानी ये वाली चीज आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अब खुद ही देख के समझ में आ रहा है कि ये क्या बन सकता है, क्या है, मैं इसको अगर इस तरह जोड़ दूं तो आप लोगों को कोई मसला तो नहीं होगा। ठीक है, ऐसे जोड़ा जा सकता है ऐसे, और जैसे हमने इसको ऐसे जोड़ दिया तो अब हमें क्या नज़र आना शुरू हो गया, ट्रायंगल नज़र आना शुरू हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और जब भी राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास आ जाता है तो हम उस पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ आंसर अपना लिखना शुरू करेंगे, आंसर। ठीक है, अब ये देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये गया था 10 किलोमीटर, तो अगर मैं यहाँ के ऊपर 10 किलोमीटर लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी,
क्या बात समझ में नहीं आ रही, कुछ प्रॉब्लम हो रही है? सही, यहाँ पे अगर मैं 10 किलोमीटर यहाँ तक गया तो यहाँ इस पॉइंट तक मैं इसको 10 लिख सकती हूँ नीचे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना गया है 2, तो इसको मैं 2 लिख सकती हूँ, राइट, ये 2 हो गया। अब इन दोनों को प्लस किया तो ये कितना बन गया, 12 किलोमीटर्स बन गया, राइट। यहाँ से यहाँ तक ये कितना गया है, 2 किलोमीटर गया है, और यहाँ से यहाँ तक कितना गया है, 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो सकता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर, ठीक है, ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, राइट। अब हम इसके थ्रू क्या निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू फॉर्मूला निकाल सकते हैं, हम यहां लिख देंगे डायरेक्ट बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब यहां पे हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है, ठीक है। ये P क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन ऊपर जा रही है, और बेस क्या है, वो जो नीचे वाली लाइन है, ठीक। अब इन सब वैल्यूज पुट करना शुरू करें तो हमारे पास ये वाली लाइन तो हमें पता नहीं थी, यानी कि हमें हाइपोटेन्यूज तो पता नहीं है, लेकिन अलबत्ता ये दोनों पता चल चुकी हैं, ये 12 है और ये कितनी है, 5 है, तो हम ये दोनों वैल्यूज पुट कर सकते हैं। परपेंडिकुलर हमारा हो गया है 5, और ये कितना हो गया है, 12 का स्क्वायर, तो अब क्या आ गया हमारे पास, और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, आप इन दोनों को प्लस किया कितना आ गया, कैलकुलेटर ले लो ना, एबिलिटी का देने के लिए आने दो, हाँ कैलकुलेटर नहीं होगा, ठीक है, रफ कॉलम होना चाहिए साइड पे बना हुआ, लेकिन उसमें भी फेयर वर्क होना चाहिए रफ कॉलम में भी, ताकि उसकी भी समझ में आ रहा हो टीचर की। वन 69 का क्या ले लेंगे हम, ये सारा अभी तक क्या चल रहा था, स्क्वायर में चल रहा था, अभी स्क्वायर गायब हो जाएगा तो हाइपोटेन्यूज आपके पास बराबर आ जाएगा किसके, अब जो ये फासला, ये आपको पता चल गया कितना फासला है, 13 किलोमीटर का ये फासला आपके पास आ गया आंसर। बेटा कुछ कह नहीं सकते हैं, ये बनाने वाले के दिमाग के ऊपर होता है कि वो जो है वो किस तरह से, हाँ आपका जो टाइम है वो मैनेज करता है या आपको जो है एंगेज करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बाज लोग होते हैं ऐसे बैठे होते हैं, उनका दिमाग ऐसे होता है, वो बना देते हैं क्वेश्चन, तो तैयारी करके चले जाएं अच्छा है, और वैसे सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम याद कर लो और डायरेक्शन याद कर लो तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे ये वाले सवाल, 2 स्टेप में 3 स्टेप में सॉल्व हो जाता है ये सवाल, ठीक है। एक और सवाल हम देख लेते हैं, 2018 का पेपर निकाल लो बेटा, 2018 क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, हमने यहाँ पर सिर्फ इसकी फिगर ड्रॉ करी, हाँ 2018 क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, बी बस यहाँ पे 6 का, 6 का बी पार्ट देखो, एन ऑटोमोबाइल ट्रेवल्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, ठीक है, डायरेक्शंस आपके पास बनी हुई है। अब ये कह रहे हैं इन्होंने साउथ से चलना शुरू किया है कि एक ऑटोमोबाइल जो है ट्रेवल कर रही है 3 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ गई है पहले 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, उसके बाद वेस्ट की तरफ गई है। अब आपके ये जो डायग्राम है ये कुछ इस तरह बनना शुरू होगी कि ये पॉइंट है, यहाँ से सबसे पहले कहाँ चले गए, 3 किलोमीटर साउथ की तरफ चले गए सबसे पहले, ठीक है,
3 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, 3 किलोमीटर था बेटा, 3 किलोमीटर सही है। अच्छा 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, अब 4 किलोमीटर वेस्ट, वेस्ट किधर है, किधर जाएंगे यहाँ से, ठीक है यहाँ पे हम चले गए 4 किलोमीटर। अब वो क्या कह रहा है, 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड 2 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ ईस्ट, पहले उधर 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, अब 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाना है, यहां से हम जाएंगे 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, सिर्फ ये डायरेक्शंस के ऊपर चलना है, इससे डायग्राम बहुत अच्छी सी बन जाएगी, फिर सॉल्व करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाने के बाद वो क्या कहता है, 2 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ ईस्ट, अब मुझे बताना साउथ ईस्ट कौन सा पोर्शन बनेगा, ये ऐसे पोर्शन बनेगा, ठीक है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन जो बनने वाली है वो ऐसे बनने वाली है, तो यहाँ तक हम ये ऐसे बना देंगे और ये हमारे चलेगी 2 किलोमीटर, ठीक है 2 किलोमीटर साउथ ईस्ट की तरफ गया है। उसके बाद वो कह रहे हैं हाउ फार इज इट फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजीशन, अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से वो कितने फासले पर है, ये वाला फासला हमें पता नहीं है, ये वाला फासला हमें मालूम करना है, ठीक है तो 2 किलोमीटर तो पता चल गया, इस वाले फासले को जो चीज पता नहीं होती उसको क्या करते हैं, एक्स का नाम दे देते हैं, ठीक है अब यही लगाएंगे, यही वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे कैसे, अगर मैंने आपसे कहा कि ये वाला 4 किलोमीटर जो है मैं इधर दे दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है ये इधर दिया जा सकता है, अब हमारे पास क्या आ गई, ट्रायंगल, ठीक है ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल जैसे ही हमारे पास आया अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं किसके साथ, पाइथागोरस थ्योरम के साथ, ठीक है ट्रायंगल जो है वो पाइथागोरस थ्योरम के साथ। अच्छा अब हमारे पास जो है यहाँ मौजूद है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, भी हम क्या रख देंगे, अब बताओ जरा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी, क्या रखूं हाइपोटेन्यूज, देखो ये तो परपेंडिकुलर की आ गई हमारे पास, ये आ गई हमारे पास बेस की वैल्यू, अब हाइपोटेन्यूज की बता दो, ये वैसे तो ये कितने का बन जाएगा पहले तो ये बताओ, ये 5 बनेगा, गौर से देखो ट्राइंगल कहाँ से ले रहे हैं हम, ये 2 बनेगा क्योंकि नीचे 3 मौजूद है यहाँ तक, ठीक है अब ऊपर कितना रह गया, 2 रह गया, 2 बनेगा, ठीक है तो पहले तो इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, वो आएंगे हमारे पास परपेंडिकुलर की आ जाएगी 2, ठीक है स्क्वायर, और बेस हमारे पास कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर, मसला रह गया हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज में क्या करूं, खाली एक्स नहीं है, एक्स प्लस 2 इसका स्क्वायर आ जाएगा, सही है बस ये थोड़ा सा, बस ये इसी जगह के ऊपर सारे नंबर्स होते हैं आपके एक स्टेप के अंदर, ठीक है बाकी तो कैलकुलेशन आसान होती है। तो ये आ गया हमारे पास, इसके बाद हम इसके स्क्वायर्स निकाल लेंगे, कितना आ गया इसका 16, इसका 4 क्या बन गया 20, x प्लस 2 हमारे पास आ रहा है, अब x प्लस 2 ये निकालेंगे स्क्वायर रूट तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.47, ठीक है और x जो हो जाएगा आपके पास वो कितना हो जाएगा, ये 2 इधर प्लस हो रहा था इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x क्या आ जाएगा 450 बुक लेके उसमें से, ठीक है बगैर कैलकुलेटर के कैसे टीचर ने निकालना सिखाया था, ठीक है छोटे जब बचपन में थे तो, ठीक है तो आ जाएगा स्क्वायर रूट निकालना 2.47 डिस्टेंस हो गया हमारा डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट,
ठीक, ये वाला डिस्टेंस हमारा आ गया कि ये जो छोटा था हमारा x, वो हमें दरअसल x ही मालूम करना था, इतना छोटा सा ये वाला पोर्शन मालूम करना था, ये हमारे पास निकल आया। ठीक है, यहाँ के ऊपर सॉरी क्या चीज़, बेस इसका 4 किलोमीटर है ना, हाँ, और 2 किलोमीटर वो चल चुका था, हाँ, सेम है ना वो वैल्यू, तो वो तो 2 किलोमीटर से चला होगा ना, हाँ, 2.47 क्यों आया? 2.47 क्यों आया? ये 20 का जो आपने स्क्वायर रूट निकाला इसकी वजह से आया। जब आप 20 इनको जब आप कर लेंगे तो ये तो इसी नंबर में आएगा ना, इवन नंबर में आया, सही है, लेकिन इवन नंबर का भी स्क्वायर रूट निकालते वक्त फिर वो पॉइंट में चला गया। जी तो ये स्क्वायर यहाँ पे गायब हो गया ना, जैसे हमने इसके ऊपर लगाया तो ये स्क्वायर यहाँ के ऊपर गायब हो गया। ठीक है।